जयपुर की मुहाना फल सब्जी मंडी में भी कोरोना महामारी का असर देखा जा रहा है। यहां भी इन दिनों सब्जियों की आवक कम हो चुकी है। हालांकि इसके पीछे लॉकडाउन के चलते मांग में कमी आना ही बड़ा कारण माना जा रहा है, लेकिन कोरोना की महामारी के दौर में मुनाफाखोरी नहीं हो और आम जनता को रियायत दर पर फल और सब्जी मिल सके, इसके लिए मंडी पदाधिकारी भी जुटे हुए हैं। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए थोक फल सब्जी रात 12 बजे से सुबह 10 बजे तक चलाई जा रही है। मंडी व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों में भाव में तेजी आने के कोई आसार नहीं है। मुहाना मंडी में आज हुए कारोबार में टमाटर 6 से 10 रुपए, ककड़ी 5 रुपए, फूल गोभी 4 थोक भाव में बेची गई, वहीं लौकी 7 से 8 रुपए, धनिया 10 रुपए किलो में बिका। मुहाना मंडी में सब्जियों की आवक काफ़ी कम हो गई है, डिमांड भी काफ़ी घटी है। सब्जियों की आवक अभी कुछ दिनों पहले तक तो भरपूर हो रही थी, मगर पिछले दो दिनों से सब्जियों की डिमांड घटने के कारण आवक में भी काफ़ी फर्क पड़ा है और आम जनता को रियायती दर पे सब्जी उपलब्ध हो सके। सब्जियों के दामों में भी कोई तेजी नहीं आई है। आज टमाटर 6 रुपये से 10 रुपये किलो तक बिका है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।